हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। साथियों, आज की क्लास में जिस करंट इशू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अगस्त के दिन ई रूपी भुगतान प्रणाली के रूप में लॉन्च किया गया है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि ई रूपे भुगतान सिस्टम या भुगतान प्रणाली क्या है, ई रूपे भुगतान सिस्टम किसकी मदद से लॉन्च किया गया है, ई रूपे भुगतान सिस्टम का आम नागरिक को क्या फायदा मिलने वाला है, और हाल ही में एक टॉपिक कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था जिसकी अगर हम बात करें तो वो थी आपकी ऑफिशियली डिजिटल करेंसी जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई थी, बट हाल तक अभी तक इस तरह की कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं की है। तो ये इस डिजिटल करेंसी से किस तरीके से भिन्न है, इन सभी एस्पेक्ट पे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो आइएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे कि ई रूपी क्या है। तो ई रूपी के बारे में अगर साथियों बात करें तो ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीडियम है। तो कैशलेस किस तरीके से है, कैशलेस को अगर हम समझें तो कैशलेस का मतलब है कि इसके अंदर ई रूपी सिस्टम प्रणाली में हम किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम एटीएम से, बैंक से, या पेटीएम पेमेंट बैंक, या जो भी डिजिटल पेमेंट बैंक्स थे जो कि हाल ही में वर्तमान में हम यूज कर रहे थे सारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम, उनमें के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बट जो ई रूपी प्रणाली अभी लॉन्च की है, मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है 2 अगस्त को, इसका विशेष पर्पज है। और विशेष पर्पज किसके लिए है, भारत के आम नागरिक के लिए है, जो अंतिम छोर पर गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे कुछ विशेष बेनिफिट्स। जैसे अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को 2,000 रुपये पर त्रिमासिक किस्त अवेलेबल करवाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर, आपको मालूम है मातृ वंदन योजना, ठीक है, पोषण योजना, पालनहार योजना, छोटे बच्चे जो कुपोषण के शिकार है उन बच्चों के लिए मिड डे मील योजना, इस तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। तो जो वो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है वो थर्ड पार्टी की बात करें तो आम लोगों तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, या बीच में ही उस पैसे का दलालों के द्वारा या किन्हीं भी थर्ड पार्टी के द्वारा बीच में गबन किया जा रहा है। तो इस चीज को और बेहतर करने के लिए अभी हाल ही में बात करें तो जब मोदी गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग में आई थी 1.0, तब आपको मालूम होगा मोदी सरकार ने ही जनधन के अकाउंट खुलवाए थे। तो वो एक विशेष कदम स्टेप लिया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसलिए लिया गया था, अगर आपको इससे पहले मालूम हो तो आपको मालूम होगा गवर्नमेंट के द्वारा जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना मुहैया कराई जाती है जिसके अंदर 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं उनको 500 या विधवा महिलाओं को 700 रुपये और वृद्ध लोगों को 500 या 1,000 रुपये कुछ इस तरीके से पेंशन, वृद्धावस्था की पेंशन मुहैया करवाई जाती थी। तो ये पहले जब जनधन के अकाउंट नहीं थे तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आती थी। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जब लास्ट एंड तक जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए थी उस व्यक्ति तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पाता था, पोस्ट ऑफिस के जो भी रस्ते थे बीच में दलालों के द्वारा बीच में ही इस पैसे को क्या कर लिया जाता था, इसका गबन कर लिया जाता था। इसी चीज को बेहतर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट 1.0 ने जनधन के अकाउंट खुलवाए, उसके बाद में डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ये पैसा अवेलेबल करवाया। तो इसी के बेसिस पे आपको मालूम होगा किसान सम्मान निधि का पैसा भी डायरेक्ट अकाउंट में, बट इसमें भी अभी बहुत डिटेल में अगर हम देखें तो अभी भी बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा है। जिसको एनालिसिस करें तो आप देख पाते होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अभी गवर्नमेंट भी उनसे वसूल कर रही है। जैसे अगर हम बात करें तो ये अन्नपूर्णा योजना, इसके तहत लोगों को गेहूं अवेलेबल करवाया जाता है, गेहूं खाने के लिए खाद्यान्न अवेलेबल करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद नहीं है वो भी लोग इस योजना का फायदा ले पा रहे हैं। इसके अलावा जन आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं है, वो सक्षम है, वो भी गवर्नमेंट के इस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि बीच में जो लोग दलाल हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये लाभ मिलना चाहिए वो जरूरतमंद है या नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शायद ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया हो और आगे चल के ये कारगर साबित हो।
तो आइएगा हम इस पे बात करते हैं। अब ये किस तरीके से काम करेगा हम इसको जानेंगे, और इसको की जो आम व्यक्ति है उसको किस तरीके से इससे मदद मिलेगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीडियम है जो SMS स्ट्रिंग या एक QR कोड के रूप में बेनिफिशरीज को प्राप्त होगा। तो यहां तक हम समझते हैं कि ये किस तरीके से आम आदमी को उपलब्ध होगा। तो अगर साथियों अगर हम समझें तो आप सभी लोग ई कॉमर्स कंपनी अमेजन फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म से जनरली सामान्यतः शॉपिंग जरूर करते होंगे। तो आपको मालूम है आप जब भी मैक्सिमम अमाउंट की जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो इन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोत्साहन के तौर पर या अगर देखें तो आपको कुछ स्कीम अवेलेबल करवाई जाती हैं या ऑफर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं जिन पर आपको ई गिफ्ट वाउचर कंपनी के द्वारा आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेजे जाते हैं। आप उन ई गिफ्ट वाउचर का क्या कर सकते हो, एज ए डिस्काउंट अगर मान के चलो आपने 2000 की शॉपिंग की तो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा ई कॉमर्स की कंपनियों के द्वारा स्पेशल वाउचर अवेलेबल करवाए जाते हैं। या अगर स्टूडेंट के एस्पेक्ट में समझे तो आप जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जब कोर्स परचेज करते हो, मैं उन प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बड़े लेवल पे एजुकेशन के बड़ी कंपनियां बन चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि साप्ताहिक या मंथली टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं और स्टूडेंट जब उस टेस्ट को देते हैं और जब टॉप 10 रैंक के अंदर आते हैं तो वो जो टॉप 10 रैंकर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए उस प्लेटफॉर्म के द्वारा या एजुकेशन कंपनी के द्वारा कुछ विशेष तरह के ई गिफ्ट वाउचर उनको भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। उनका यूज केवल और केवल वो स्टूडेंट या तो टेस्ट सीरीज परचेज करने में या फिर कोई स्पेशल कोर्स या कोई किसी भी जिनका जिस प्लेटफॉर्म का टाई अप उस कंपनी के साथ होता है तो उस प्लेटफॉर्म से बुक वगैरह परचेज करने में, यानी कि अगर वो एजुकेशन का वाउचर है तो उसको आप केवल और केवल एजुकेशन के फील्ड में ही काम लेओगे। अगर ई कॉमर्स का वाउचर है तो उस ई कॉमर्स के ई वाउचर को आप केवल और केवल शॉपिंग या परचेजिंग में ही काम लोगे, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से देखते तो आप जब भी आपके लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का या मैं बात करूं पानी का बिल जमा कराते हो तो कुछ और भी आपको इस तरह के ई वाउचर अवेलेबल होते हैं, तो अगर आप उनको रिडम कर लेते हो तो आपको एज ए कैशबैक या इंस्टेंट आपका जो अमाउंट होता है, जैसे अगर बिल की बात करें आपका 1000 का आया है और आपको 200 रुपए का कोई ई गिफ्ट वाउचर है और वो आपको रिडम करना है तो आपको इंस्टेंट उस पर डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा और फाइनली आपको बिल जो जमा कराना होगा वो 800 रुपए का ही कराना होगा। तो इस तरीके से आप इस ई वाउचर को उपयोग में ले सकते हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी क्या प्रक्रिया को अपनाया है, इसी मेथड को यूज किया है। तो ये गवर्नमेंट भी इन्हीं चीजों को अपना करके क्या करना चाहती है, जैसे अगर हम बात करें कि किसी महिला को मातृवंदन योजना का लाभ अवेलेबल करवाना है तो वो परिवार कल्याण मंत्रालय या बाल परिवार कल्याण या स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, अभी हाल तक उस महिला के अकाउंट में जब भी गर्भवती कोई महिला होती है तो उसको खाने पीने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पैसा भेजा जाता है। तो अब वो पैसा उस डायरेक्ट उसके महिला के अकाउंट में आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, तो वो महिला क्या उस पैसे का उपयोग केवल और केवल खाने पीने में ही काम में ले पा रही है या नहीं ले पा रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो अब आगे से क्या किया जाएगा कि उस महिला के फोन पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या उसके फैमिली मेंबर के फोन पर इस तरह के वाउचर भेजे जाएंगे जो केवल और केवल ऐसे स्टोर जहां से ये जो पौष्टिक आहार के जो पौष्टिक आहार वगैरह उपलब्ध होते हैं उन्हीं को उन कूपन की मदद से परचेज किया जा सकेगा, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन के तौर पर सामान मार्केट से खरीदा जाएगा और उसका उपयोग एज ए केवल और केवल खाने के तौर पर किया जा सकेगा। तो सबसे पहला तो ये बेनिफिट मिलेगा आम पब्लिक को। इसके अलावा बात करें हम जैसे किसान सम्मान निधि की, तो किसान सम्मान निधि के अंदर हाल ही में गवर्नमेंट क्या करती है, 3 महीने के अंदर 2000 रुपए के लमसम आपको पैसा भेजती है आपके अकाउंट में। बट अब आगे से इस पैसे को डायरेक्ट आपके अकाउंट में ना भेज करके आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि किसी किसान का होगा, ठीक है, या आम नागरिक का होगा, उस पर क्या किया जाएगा, इस तरीके से एक SMS स्ट्रिंग या कोई QR कोड भेज दिया जाएगा और उस QR कोड का जो किसान है
किसान भाई है वो केवल और केवल यूज क्या कर पाएगा, किसी एग्रीकल्चर स्टोर पर जाकर के उससे केवल और केवल कृषि के प्रोडक्ट जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, ठीक है, उर्वरक हो गए या कोई केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इस तरीके ही के ही प्रोडक्ट परचेज कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको जिस जिस फील्ड के लिए गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति को यह पैसा जिस क्षेत्र में दिया जा रहा है वो केवल व्यक्ति उसी क्षेत्र में उसका उपयोग कर पाएगा और उसको सुचारू रूप से काम में ले पाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ये ई रूपी वाउचर है ये अवेलेबल करवाए जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो यह एक तरह के गिफ्ट वाउचर के समान ही होंगे, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर रिडीम कराया जाएगा। यानी कि पर्टिकुलर कुछ स्टोर गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के बनाए जाएंगे। जैसे अगर एक बेसिक से एग्जांपल लें, अभी कोविड के अंदर अगर मान के चलते हैं गवर्नमेंट आपको क्या करना चाहती है, फ्री के अंदर मास्क अवेलेबल करवाना चाहती है प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए, तो क्या आपको किस तरीके से अवेलेबल करवाएगी? या तो गवर्नमेंट के पास में हाल ही में अगर सिचुएशन देखें तो दो मीडियम है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई भेजेगी और हॉस्पिटल से आपको मास्क कलेक्ट करना होगा। पर्टिकुलर आप जब भी दिखाने जाते हो या कुछ भी करते हो तो नजदीकी आपके हॉस्पिटल सीएससी पीएससी से आप आपका मास्क ले सकते हैं, या आपको जो गवर्नमेंट की जेनरिक मेडिकल शॉप है वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बट इस चीज की क्या गारंटी है, जो वो शॉपकीपर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क अवेलेबल करवाए या फ्री में आपको मास्क बांटे? तो ये भी तो हो सकता है ना, जिस प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क भेजे जा रही है सप्लाई, वो उसका प्रॉपरली गबन कर जाए या उसको वो आम नागरिकों को दे ही ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर ई रूपे कॉन्सेप्ट को अगर हम उस स्थान पर देखें तो आम नागरिक क्या करेगा, उस जेनरिक स्टोर पर जाएगा, अपना बार कोड मोबाइल का स्कैन करवाएगा और वहां से मास्क ले लेगा। तो उसका पर्टिकुलर क्या रहेगा, गवर्नमेंट के पास में भी डेटा रहेगा कि भाई फला सिंह व्यक्ति ने बार कोड स्कैन करवाया और उसको इस स्टोर से पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट था वो अवेलेबल करवा दिया। इसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा जो आपने देखा हो तो क्या होता है कि कुछ अगर हॉस्पिटल की बात करें तो कुछ दवाइयां तो गवर्नमेंट की मिल जाती हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉय को क्या है कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो क्या कर सकता है, प्राइवेट परचेज भी करता है। तो वो क्या करता है, मार्केट से भारी अलग से दवाइयां परचेज करता है और उनको उनके जो बिल वगैरह होते हैं उनको गवर्नमेंट के ऑफिस में सैलरी स्लिप में वो पैसा उनको ऐड हो जाता है और मिल जाता है, और उन बिलों को क्या करता है वो अपने ऑफिस में जमा करवा देता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको ई वाउचर अवेलेबल करवाएगी और उस पैसे का केवल, यानी कि उस वाउचर से वो केवल और केवल दवाई परचेज कर पाएंगे, उस पैसे का वो और यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ई रूपी कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों ई रूपी को किस डिपार्टमेंट के द्वारा और किन किन डिपार्टमेंट की मदद से लॉन्च किया गया है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इस प्लेटफॉर्म को नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि NPCL, इसको बेसिक रूप से आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात करें हम तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे हम बात करें आपके बैंकिंग के अंदर UPI का होता हो, NEFT रहता हो, NFS का होता हो, MIPS होता हो, इस IMPS होता हो, इस तरह के जितने भी आपके ट्रांजैक्शन करने के जो मेथड है वो सभी का कंट्रोल नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को बच्चों लॉन्च किया गया है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक होगा, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में ही, अगर मैंने जैसे आपको समझाया एग्रीकल्चर का क्षेत्र है तो आपको एग्रीकल्चर के स्टोर से संबंधित ही आपको वाउचर दिए जाएंगे, या अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो जो मातृवंदन योजना है, कुपोषण आहार योजना है, इस तरह की योजनाओं से संबंधित जो पैसा अवेलेबल करवाया जाता है तो इसी से संबंधित आपको वाउचर अवेलेबल करवाए जाएंगे।
जो केवल और केवल आपके उसी फील्ड में काम होंगे। और पर्सन स्पेसिफिक का मतलब हो गया ये उसी व्यक्ति को अवेलेबल करवाए जाएंगे जो उस योजना से जुड़ा हुआ होगा। और अगर बात करें तो ई रूपी के जरिए बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के सर्विस उपलब्ध कराने वालों को बेनिफिशरीज व सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करवाया जा सकेगा। यानी कि पर्टिकुलर कुछ स्टोर्स गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें जेनरिक दवाइयों के स्टोर होते हैं, कुछ बायोमेट्रिक दवाइयों के स्टोर होते हैं, ऐसे ही बायोकेमिकल के स्टोर होते हैं, तो उनके साथ में बेनिफिशरीज को कनेक्ट करवाने में गवर्नमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे अगर हम बात करें तो NPCI क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका प्रमुख काम देश में बैंकिंग के माध्यम से आमजन तक भुगतान प्रक्रिया को आसान व डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है बच्चों। तो इसका मेन कार्य यही है, जो आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम है इसको, संपूर्ण डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करना है। अगर हम देखना चाहें तो इस डायग्राम से समझ पाएंगे कि जितनी भी हमारी बैंकें होती हैं आपस में NPCI के माध्यम से इंटरकनेक्ट होती हैं। तो आप देख पाते हो चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो और आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी अन्य बैंक के अंदर फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये काम करता है आपका NPCI। इसके अलावा आप ATM में, आपके पास में एक पर्टिकुलर बैंक का ATM होता है, बट आप उस ATM से किसी भी अन्य बैंक के ATM में जाकर के आप क्या निकाल सकते हैं, पैसा। इसको बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है। अगर आप और बात करें तो CTS चेक क्लियरिंग में, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के अंदर IMPS के रूप में, रुपए कार्ड के रूप में, जितने भी हमारे कार्ड होते हैं उनके रूप में, UPI के रूप में, अगर हम बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलन में है। आप लोग जो भी ये फोन पे पेटीएम के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन करते हो उसी के अंदर आपको एक अलग से सुविधा मुहैया करवाई जाती है जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें हम भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसके अलावा बात करें तो आपने देखा होगा टोल प्लाजा पे भी आजकल इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है, वहां पे भी ऑटोमेटिक आपका डिजिटली पेमेंट हो जाता है, आपको मैन्युअली पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारा कार्य जो भी सिस्टम अंडर में आता है वो NPCI के अंडर में आता है। आगे अगर हम थोड़ा सा जाने तो NPCI के बारे में जानेंगे, तो NPCI एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है या सार्वजनिक प्रणाली का उपकरण है। और इसके उद्योग की बात करें तो ये वित्त विभाग के अंडर में आता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2008 के अंदर हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो साथियों इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई के अंदर स्थापित है। अगर इसके आपसे एग्जाम में पूछ ले MD और CEO कौन है, तो मिस्टर दिलीप एस बे करके इनके सीओ हैं, जो कि आप देख सकते हो ग्राफिक्स में, इमेज में भी मैंने लगाया हुआ है। अगर इनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की बात करें तो मिस्टर विश्व मोहन महापात्रा जी हैं, जो कि इनके क्या है, चेयरमैन है। आगे अब साथियों हम जानेंगे कि इसका मुख्य रूप से क्या फायदे होने वाले हैं, आम जनता को क्या फायदा होगा। तो लगभग हम सारा डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं, बट मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इसके द्वारा सरकार के मुताबिक ई रूपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकेगा। तो मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट का यही है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी आम जनता के लिए योजनाएं चला रखी हैं उनका डायरेक्ट क्या मिल सके, लाभ मिल सके। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, TB उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाइयां, खाद बीज की सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा। जैसे अगर हम बात करें तो आपको बेसिक रूप से जो भी एक उपभोक्ता है उनको अगर गैस सब्सिडी से परिचित हो तो आपको गैस सब्सिडी मिलती है। हाल ही में तो बंद ही हो चुकी है, ठीक है। तो गैस सब्सिडी के रूप में भी जो अब हाल तक आपको पैसा दिया जाता था, आगे से अब वो पैसा ना देकर के आपको गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे या कुछ विशेष तरह का आपको टैक्स के रूप में आपको स्ट्रीम दी जाएगी, यानी कि एक अलग अलग संख्याओं का एक कोड दिया जाएगा। अगर आप किसी भी गैस एजेंसी पर जाकर के उस कोड को दिखाओगे तो जब भी आप अगला सिलेंडर परचेज करोगे तो उस समय उस कोड को रिडम कर लिया जाएगा और उस कोड के जितनी भी अमाउंट है उतना आपके मेन जो आप कैश गैस सिलेंडर भरवाने में देना दे रहे हो उसमें से डिटेक्ट करके और शेष पैसा ही आपको देना होगा।
इसके अलावा अगर बात करें तो सरकार के मुताबिक निजी सेक्टर में भी एम्प्लॉय वेलफेयर और कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत इन डिजिटल वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चों गवर्नमेंट के ही नहीं अपितु प्राइवेट सेक्टर में अगर आप परिचित हो तो ये जितने भी जुमाटो है, स्विगी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म है, डुंजो है, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से अगर अपन देखें तो जो टीम इनके पास में काम करती है या जो एम्प्लॉय इनके पास में काम करते हैं उनको प्रोत्साहन के लिए, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, गिफ्ट वाउचर अवेलेबल करवाते हैं, जिससे क्या है कि जितने भी इनके एम्प्लॉय हैं वो अधिक से अधिक कार्य में रुचि दिखाएं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वीकली या 7 डे में के अंदर अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं प्लेटफॉर्म को देता है, इनकी सर्विस को देता है, तो वो लोग उस व्यक्ति के लिए अलग से क्या कर देते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं अलग से। तो वो जो इंसेंटिव है वो एज ए वाउचर के तौर पर अवेलेबल करवाते हैं, जिससे वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि उस वाउचर को किसी पर्टिकुलर पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप से रिडम करवा सकता है, या उस वाउचर से अगर वो किसी अच्छी जगह पे जाके खाना खा सकता है। तो उस इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जिस फील्ड का अगर उसको वाउचर दिया गया है, अगर उसको खाने से संबंधित वाउचर दिया है तो वो केवल और केवल उसको होटल और रेस्टोरेंट पे ही काम ले सकता है। अगर उसको पेट्रोल का या डीजल का वाउचर दिया है तो वो उसको केवल और केवल पेट्रोल पंप पे ही काम में ले सकता है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अगर और बात करें अपन, तो इसका इस्तेमाल अगर कोई गैर सरकारी संस्था किसी को उसकी शिक्षा, मेडिकल इलाज में मदद करना चाहती है तो वो कैश देने की जगह ई रूपी का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा हम और समझें तो अगर हम देखते हैं कि अब जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमको एससी एसटी कैटेगरी की जितने भी स्टूडेंट है उनको छात्रवृत्ति गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है। तो छात्रवृत्ति आपको प्रति वर्ष दी जाती है और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। बट अब आगे से ऐसा ना हो करके आपको इस तरह के ई गिफ्ट वाउचर अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब इनका क्या उपयोग होगा, तो इनका स्टूडेंट उपयोग क्या कर पाएगा, जब वो नेक्स्ट ईयर में जब भी वो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर की जब कॉलेज या संस्था को फीस जमा करवाएगा तो उस फीस के समय कैश ना दे करके वो जो उनको ये स्कॉलरशिप के रूप में ई वाउचर अवेलेबल करवाए जाएंगे इन्हीं को वो उस संस्था में रिडम करवा देगा और यही पैसे में कन्वर्ट होकर के और संस्था के अंदर फीस के रूप में वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरह की सुविधा मुहैया करवाने का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दान दी गई राशि को केवल बताए गए काम में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि दान देने का ही कोई यहां पर मुख्य तात्पर्य नहीं है, यानी कि किसी भी रूप में डोनेट की गई आपको या कोई भी बेनिफिट के रूप में आपको अवेलेबल करवाई गई मनी का आपका इस्तेमाल केवल और केवल उसी क्षेत्र में आप कर पाओगे। इसके अलावा बात करें तो इस तरह का इनिशिएटिव अभी जो हमारे देश के अंदर अभी जो स्टार्ट किया गया है, ऐसा और भी कई देशों में पहले से ही लागू है। अगर हम देखें तो ऐसा सिस्टम कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में पहले से ही बच्चों यूज में लिया जा रहा है। इन देशों के अंदर क्या किया जाता है कि जो स्टूडेंट हायर लेवल की या स्कूल लेवल की एजुकेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके माँ बाप को क्या किया जाता है, अलग से फंड अवेलेबल करवाया जाता है स्कॉलरशिप के रूप में ही। तो उस स्कॉलरशिप का वो क्या करते हैं, पैसा ना उनको अवेलेबल करवा के इस तरह के गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं और उस गिफ्ट वाउचर को वो लोग क्या करते हैं, जिस किसी संस्था में उनका बच्चा पढ़ता है उसमें जाकर के उनको आसानी से रिडम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें हमने देख ली है किस तरीके से कि किसके माध्यम से ये ई रूपी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है और किस तरीके से इसका हमको फायदा मिलेगा। अब हम लास्ट एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं कि डिजिटल करेंसी से किस तरीके से ई रूपी अलग है। तो आपको यह जब स्टार्ट किया था तभी मैंने समझाया था डिजिटल करेंसी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये डिजिटल करेंसी की बात करें तो आप लोग सभी क्रिप्टो करेंसी से परिचित होंगे। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा है जिससे कोई भी परिचित ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिचित ना हो। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और भी है, ठीक है, अर्थेरियम है, लिब्रा है, रिबेल है, लाइट कॉइन है, इस तरह की। तो हाल ही में क्या किया जा रहा है कि जैसे हम पैसे रुपयों का यूज करते हैं उसी तरीके से अभी डिजिटल ही रूप में देखें तो इस डिजिटल करेंसी का प्रचलन अत्यधिक मात्रा में डेवलप हो रहा है और आगामी समय में डिजिटल करेंसी ही मुख्य रूप से आधार बनने वाली है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ई रूपी को लॉन्च किया है। क्या पता ई रूपी के
गवर्नमेंट या आरबीआई यही जानना चाह रही हो, अगर हम आगे भविष्य में ई डिजिटल करेंसी लॉन्च करें या ऑफिशियली डिजिटल करेंसी हम लॉन्च करें हमारी खुद की, तो हमको क्या क्या डिसएडवांटेज को फेस करना पड़ेगा, किन किन असुविधाओं को हमको फेस करना पड़ेगा, तो उन सभी से हम पहले से ही अवेयर हो जाएं, तो इसीलिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। तो केंद्र सरकार केंद्रीय बैंक आरबीआई की डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है और ई रुपए की लॉन्चिंग से देश में डिजिटल पेमेंट इंफ्रा में डिजिटल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है इसका आकलन किया जा सकेगा। इस समय जिस रुपए को हम सभी लेन देन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वह ई रुपी के अंडरलाइंग एसेट का काम करेगा। ई रुपी की जो विशेषताएं वह इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती है और यह एक तरीके से वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है, ना कि यह किसी विशेष तरह की मुद्रा है। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और यह जो इश्यू है जो हाल ही में अभी 2 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और यह एक तरह की भुगतान प्रणाली है, ना कि यह किसी विशेष तरह की कोई करेंसी है। तो आपको यह चीज जानकर के बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग ये चीज समझ सकें और बेसिक रूप से जान सकें। थैंक यू स्टूडेंट।